अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। यह है जी संडे वाले दिन का व्लॉग, और संडे वाले दिन हमारा कोई भी प्लान नहीं था कहीं भी जाने को, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग शेयर किया ना, ईद के सेकेंड डे का हम लोग गए हुए थे खुरफकान, और काफ़ी लंबा ट्रैवल करके हम लोग गए थे यहाँ से दुबई से। और फिर उसके बाद जो है गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो सबकी तबीयत थोड़ी अपसेट हुई हुई थी, इसलिए हमने सोचा था कि हम संडे को कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि थर्सडे को शायद हम लोग गए थे वहाँ पर, तो फ्राइडे सैटरडे जो है सब ड्यूटी पे गए और संडे जो है फिर ऑफ था सबका, तो इसलिए सब ने कहा रेस्ट करेंगे। पूरा दिन तो हम लोग घर पर ही रहे, लेकिन यह है कि तकरीबन 5-6 बजे जो है वो हमें कॉल आ गई हमारे मामू की कि आप लोगों ने आना है, मतलब उन्होंने हमें इनवाइट किया, उन्होंने बारबेक्यू प्लान किया हुआ था, तो हमने उन्होंने हमें बोला कि आप लोग भी आएँ, तो फिर इसलिए हम उनको मना नहीं कर सके और हमने सोचा कि चले चले जाते हैं, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाएगा। और संडे भी था, सबको ऑफ था, सब घर पर ही थे, तो बस फिर हमने जो है वो तैयारी श्यारी की और यहाँ पर जी वो हमें लेने के लिए आ गए थे। और फिर अभी हम लोग जो है वो जा रहे थे मुशर्रफ पार्क जा रहे थे, और मुशर्रफ पार्क जो है वो हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर है, अपनी गाड़ी पर जाएँ तो तकरीबन 15-20 मिनट ही लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर बस पर जाएँ तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस यहाँ पर जी हम लोग तकरीबन जो है वो पहुँच गए थे मुशर्रफ पार्क 15-20 मिनट में, तो बस यही जो है यहाँ पर हम पहुँचे और उन्होंने जो है बारबेक्यू का सेटअप किया हुआ था, और यहाँ पर पहले से ही अंगीठी मौजूद होती है, मतलब अंगीठियाँ बनी हुई होती हैं, लेकिन ग्रिल हमें थोड़ी साफ़ नहीं लग रही थी, इसलिए हमने ग्रिल हटा दी और जो वो अंगीठी टाइप बनी हुई थी उसमें हमने कोयला वगैरह जलाया, और ग्रिल हमारे पास थी अपनी भी। तो यहाँ पर जी बस बारबेक्यू पार्टी स्टार्ट है, और क्योंकि जब हम पहुँचे तो केला रेडी था, बस सबने जो है वो मिलजुल कर सीखों में बोटियाँ लगाईं और बनाना जो है वो स्टार्ट कर दिया। और दूसरी तरफ जो आपको नज़र आ रही है ग्रिल में, तो वो है फ़िश। फ़िश हम लोग लेकर गए थे क्योंकि सबको फ़िश बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इन्होंने चिकन बारबेक्यू का प्लान किया हुआ था, हमने सोचा हम भी कुछ लेकर चलते हैं, तो फिर हम जो है वो फ़िश ले आए थे। छोटी छोटी वाली फ़िशेज यहाँ पर मिलती हैं, बस हमने जो है उसको दरमियान से एक कट लगवाया और घर पर मैंने खुद मसाला लगा के फिशेस को ले आए, तो अभी हम इनको दो दो करके जो है ना वो ग्रिल करेंगे, क्योंकि ग्रिल में सिर्फ दो ही आ रही थी, तो फिर इसलिए हमने दो ही उसमें ऐड किए। तो यहाँ पर देखिए चिकन के पीसेस भी बहुत मज़े के ग्रिल हो रहे हैं, और ये है मुशर्रफ पार्क, काफ़ी बड़ा पार्क है, दिन में ये आपको ज़्यादा अच्छे से मतलब नज़र आएगा, क्योंकि दिन में फुल ये ग्रीनरी नज़र आती है, अभी रात है तो इसलिए ज़्यादा पता नहीं चल रहा, बहुत प्यारा पार्क और बहुत बड़ा पार्क है। तो हम लोग पहले भी यहाँ पर गए थे, शायद मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया होगा, क्रीक पार्क का तो शेयर किया मेरे ख्याल से, यहाँ का नहीं किया। तो यहाँ पर बहुत अच्छे मतलब ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी बड़ा पार्क है ये, बच्चों के लिए भी काफ़ी एक्टिविटीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखेंगे मेरा कज़न जो है वो ये वाली कार बोलते हैं क्या बोलते हैं वो चला रहा था, या साइकिल टाइप है तो ये चला रहा था, और फिर उसके बाद जी यहाँ पर जो है वो गरम गरम बारबेक्यू आ रहा था, साथ साथ हम लोग खा रहे थे और साथ साथ जो है वो फ़िश को भी ग्रिल कर रहे थे, तो वो हमने निकाल कर रखी हुई थी, और साथ साथ जो है वो बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, झूले वगैरह ले रहे थे। तो यहाँ पर जी बहुत ही मज़े का बारबेक्यू और साथ जो है वो फ़िश बन रही थी, तो बस हम जो है वो साथ साथ गर्म गर्म खा भी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे सब, और साथ साथ जो है वो बन भी रहे थे। और यहाँ पर जी टर्मिनल 3 मेरे ख्याल से करीब है, तो यहाँ पे आपको हर 1 मिनट के बाद जो है ना वो एरोप्लेन नज़र आएगा लैंड करता हुआ, तो यहाँ पे ना जहाज़ों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है इस वाले पार्क में, बस हर एक मिनट के बाद या 1.5 मिनट के बाद आपको यहाँ पर जहाज़ लैंड करता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर बस जो है वो मैं ज़्यादा क्लिप नहीं बना सकी थी क्योंकि रात का टाइम था और इतना वो प्लान भी नहीं था, तो मैंने जो है ना वो ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, बस थोड़ा सा ही बनाया, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया ताकि आपको भी पता चले कि हमारा जो है संडे कैसा गुजरा। तो बस यही था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए और अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।